بسم الله الرحمن الرحيم. दो भाई फौत हो गए, 30 साल हो गए, उनका झगड़ा था, आपस में नहीं बोलते थे। तो अब 30 साल के बाद तो मसला पूछने आए, बड़ा जल्दी आ गया हो यार। कम से कम उनकी जिंदगी में तो आते कि हम उनको मिन्नत करते। अल्लाह मकसद फरमाए, वो जाने खुदा जाने, अल्लाह करीम है, कादिर है, चाहे तो माफ़ कर दे। और ना बोलने से बंदा काफिर तो नहीं हो जाता, गुनाहगार है। बीर रोहा जो है, वहां से हजूर ने गुसल फरमाया है। कहता है कि एक बच्ची ने लिखा है कि हम मियां बीवी ने मेडिकल चेकअप भी करवाया है और मेडिकल चेकअप में हम दोनों ठीक हैं, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही। तो मेरी बेटी, उसके लिए एक तो जो कुरान में दुआएं हैं ना पैगंबरों ने की हैं, रब्बिला तज़रनी फर्दन वअंत खैरुल वारिसीन, इसी तरह रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ये दुआएं ज्यादा मांगा करो। और तीसरी बात यह है कि जब भी अल्लाह मौका दे मियाँ को भी बीवी को भी, सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करो, कम अज कम हफ्ते में एक दफा तो पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़, अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है। खाना काबा में हतीम वाले हिस्से में दीवार को चिमटना बिल्कुल नजायज है। दीवार को चिमटना सिर्फ मकाम मुल्तजम पर है और किसी जगह नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था, तुम्हें क्या तकलीफ है, पहले मुझे ये तो बताओ ना, कोई नाम हो तुम्हें क्या तकलीफ है। क़यामत में तुमसे पूछेंगे इब्राहिम के बाद, जब कुरान का अज़कार ले अभी है आदरा, बाप का नाम आदर था, फिर क्या झगड़े करने हैं कि चाचा था फला, या अबते या अबते या अब, सारा कुरान भरा हुआ।